अमेरिका के बाल्टीमोर में प्लैटफ्लोस्को नदी में शिप के टकराने के बाद एक बड़ा पुल रह गया, जिससे ब्रिज से गुजर रही कई गाड़ियां नदी में समा गईं। दो लोगों का रेस्क्यू किया गया, छह लोग अभी भी लापता। बाल्टीमोर पुल से टकराने वाले कंटेनर जहाज पर चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय हैं। शिप मैनेजमेंट कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप के मुताबिक दो पायलट समेत चालक दल के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है और किसी के घायल होने की खबर नहीं। चालक दल के समय पर SOS संदेश भेजने से सड़क यातायात की रोक दिया गया है। संदेश नहीं मिला तो पुल पर और ज्यादा भीड़ भाड़ होती। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने चालक दल को हीरो बताया। चीन और फिलीपींस में तनाव के बीच भारत ने फिलीपींस की संप्रभुता का पुरजोर समर्थन किया। अपने फिलीपींस दौरे में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने इशारों में चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने की नसीहत दी। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के समुद्री जहाजों का रास्ता रोक रहा है और उस पर वाटर कैनन से हमला कर रहा है। दोनों देशों में तनाव को लेकर गलवान जैसे हालात हैं। इससे पहले भारत ने ऐलान किया था कि वो कुछ दिनों के भीतर फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दे देगा। फिलीपींस ने चीन से निपटने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। चीन की एक अदालत ने साल 2020 में नेटफ्लिक्स निर्माता की हत्या के मामले में सुनाया बड़ा फैसला। अदालत ने गेमिंग कंपनी के संस्थापक लिन क्यूई की हत्या को लेकर कंपनी के पूर्व कार्यकारी जू याओ को सजाए मौत का फैसला सुनाया। रूस का सोयुज MS-25 स्पेसक्राफ्ट मंगलवार रात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। नए क्रू मेंबर्स के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां पर एस्ट्रोनॉट्स की कुल संख्या 10 हो गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गवर्नर रॉन डी सेंटेंस ने कानून को मंजूरी दे दी है। अब अगले साल इस पर फैसला होगा। मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में पहली बार सऊदी अरब भाग लेगा। 27 साल की मॉडल रूमी अलकातानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि वो 2024 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी।